3, 2, 1 स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल राजीव पनीर क्लास पर। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वो है वाटर। तो अगर आपको वाटर सीखना है हमारे चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए आज हम सीखेंगे वाटर यानी जल सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जल जल कैसे होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं जल क्या है। चलिए देखते हैं जल क्या है दोस्तों। वाटर वाटर इज ए लिक्विड विच फॉर्म्स रेन एंड फिल रिवर्स लेक्स पॉन्ड एंड और ओशियन सी, या उसे ओशियन कह सकते हैं। ओशियन यानी वाटर जो है वो कई जगह है बहुत। ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, उसके चारों ओर तो वाटर है। यानी जो ये पृथ्वी, इसके तो तीन हिस्से में, ये आपका देख लीजिए, इसका तीन हिस्सा में पानी ही है। तीन हिस्सा में पानी ही है। ये देखिए आपका इधर तीन हिस्सा, यानी देख लीजिए, चलिए ये आपका है तीन हिस्सा में पानी। जैसे हम इधर लिख देते हैं, ये देखिए, ये आपका मान के चलिए, देखिए ऐसे, ये आपका तीन हिस्सा हो गया और ये एक हिस्सा हो गया। तो देखिए ये आपके जो पूरे या जो आपका अर्थ है उसमें तीन हिस्सों में सिर्फ पानी है और एक हिस्सों में जमीन है जिस पर सात महाद्वीप है। ओके दोस्तों, तो चलिए अब ये बता दिया, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ वाटर इज ए लिक्विड विच फॉर्म्स रेन एंड फिल। जो रेन होता है वाटर, जो वर्षा होती है उसी से जमा होता है क्या फील, यानी जमा होता है पानी। कहाँ होता है? रिवर में रहता है पानी, लेक्स में रहता है, पॉन्ड्स में रहता है, सी में रहता है। ओके दोस्तों, यानी झील, रिवर नदी हो गया, झील में भी रहता है, तालाब में रहता है, समुद्र में भी रहता है वाटर। वाटर कहाँ नहीं, हर जगह ही वाटर है। ओके चलिए और क्या है। वाटर इज इन द ग्राउंड एंड इन द एयर विच वी ब्रेथ, यानी वाटर जमीन के अंदर भी है। वाटर जमीन के अंदर भी है और क्या कहता है, और वाटर हवा में भी है। क्योंकि एयर वाटर ही है, एयर हवा वाटर ही, हवा पानी ही, यानी वाष्प बनता है। तो वो मैं बता दूंगा बोर्ड पर करके। चलिए अब क्या है, एयर यानी पानी ही है, वही पानी ही है, एयर है। और क्या है, वाटर इज एवरीवेयर, यानी वाटर सब जगह, हर जगह वाटर ही है। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड यूजफुल सब्सटेंस अराउंड अस। ओके और क्या है, वाटर जो है एक ऐसा चीज है जो बहुत ही यूजफुल है, बहुत कार्यदायक है, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो जीवित भी नहीं रह पाएंगे, यही लिखा हुआ है। और क्या है, वाटर इज, देख लीजिए क्या है यहाँ पर, वाटर इज एसेंटियल। ओके दोस्तों, एसेंशियल, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। जो वाटर जो है हमारे जिंदगी के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और क्या है, ऑल द लिविंग थिंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू लाइव, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स जो भी पेड़ पौधे हो गए, जो भी जानवर हो गए, बर्ड्स हो गए, इन सबों के लिए, जैसे हम भी हो गए, हम भी लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे आपका ये बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया, जो जीवित नहीं है उसे ही कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स जो जैसे प्लांट है, एनिमल है, बर्ड है, इन सब के लिए भी बहुत आवश्यक है वाटर, पानी बहुत आवश्यक है। लिविंग थिंग्स जितना भी है सब के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है। ओके दोस्तों, तो चलिए, और ये वाटर का कितना प्रकार है वाटर का आपको पता है। इसका थ्री पार्ट से, फर्स्ट आपका कौन हो जाएगा और सेकेंड आपका कौन हो जाएगा और थर्ड आपका कौन हो जाएगा, तीन तीन पार्ट है इसके,
देखिए कितने प्रकार है वाटर के, तीन। फर्स्ट आपका आ जाता है कौन सा, वो आ जाता है आपका सॉलिड, ओके। और आपका सेकंड क्या आ जाता है, देख लीजिए, लिक्विड आ जाता है, सॉलिड लिक्विड। अब आपका दूसरा आ जाता है लिक्विड, चलिए लिक्विड हम लिख देंगे लिक्विड। अब आपका थर्ड क्या आ जाता है, थर्ड आ जाता है गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस। यही तीन जो बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आपके तीन जो बहुत ही महत्वपूर्ण इसके पार्ट है वाटर के। तो अब देखेंगे कि कैसे देखेंगे, अब हम देखते हैं गैस, इसी क्यों लिखाऊं गैस, ये लिक्विड सॉलिड क्यों लिखाऊं, वो आपको समझाऊंगा। मैं हाथ से भी कुछ करूंगा, आपको समझाऊंगा हाथ से भी एग्जांपल, जैसे पहले अभी आपको बताते हैं कुछ एग्जांपल बोर्ड पर। तो चलिए हम पहले इधर मिटा लेते हैं इसको, चलिए दोस्तों, चलिए इधर हम इसको मिटा लेते हैं, ओके। चलिए अब देखिए, हम जैसे देखिए हम आपको बताएंगे किसका, गैस का बताएंगे, ओके। तो गैस का चलिए हम देख ले, चलिए हम बताते हैं आपको गैस का, यानी जैसे देखिए एक आपका क्या है, इधर जरा इधर चलिए, थोड़ा इधर पानी लग गया, इसे मिटा देते हैं। अब चलिए देखिए आपका यहाँ पर एक, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका, फर्स्ट ऑप्शन जैसे देखिए ये एक यहाँ पर क्या है, ये एक बड़ा सा बर्तन है, और इसमें क्या है, इसमें इसमें बड़े बड़े, इसमें बड़े बड़े यहाँ पर आइस है, यानी बर्फ है। चलिए इसमें बड़े बड़े आइस कर देते, बना देते हैं, क्योंकि आपको समझ में भी आई ये आइस है, ओके। चलिए ये आपके आइस हो गए, आइस, ये आपके आइस है, चलिए ये आपके आइस है, यानी बर्फ है। अब देखना क्या है, यही बर्फ क्या होता है, देख लीजिए, ये आपके वाटर हो गए, यानी ये कैसे, देखिए ये आपका आइस हो गया जो बर्फ है, यानी वाटर से ही आइस बनता है, ओके। ये आपका आइस है, अब क्या हुआ, यही जब पिघल गया तो ये वाटर बन गया। अब क्या हुआ, वही बर्तन है, अब बर्तन में क्या है, वही बर्तन में हमारा ये पानी है, वाटर है, ओके। चलिए और क्या है, इधर से है ना, इस पर इधर से इस पर क्या लग रहा है, इधर से इस पर आग जल रही है इधर से। तो अब क्या हो रहा है, यही जब बहुत गर्म हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है पानी, ये हॉट वाटर हो गया, हॉट वाटर, ओके दोस्तों, हॉट वाटर बहुत गर्म हो रहा है वाटर। और अब वही क्या होता है, वाष्प बन के उड़ने लगता है, वाष्प बन के, इसे ही वाटर वेपर कहते हैं, ये वाष्प बन के उड़ने लगता है, यानी गैस बन के, ये आपका वाटर वेपर है, वाटर वेपर, ओके दोस्तों, वाटर वेपर, चलिए ये आपका वाटर वेपर है। अब देखना है, यही उड़ के ये आपका गैस में तब्दील हो जाता है, गैस, ये आपका बन गया गैस, कैसे, जब ये कि बना हुआ, ये क्या था, आइस था, वही पिघल के वाटर बना हुआ, वाटर से क्या हो गया, ये आपका गर्म पानी हुआ, जैसे आप एक बर्तन लीजिए, उसमें पानी लीजिए, उसके बाद देखिए कि हुआ, पहले आइस वाला पानी रहना चाहिए, वही पिघल जाना चाहिए, उसके बाद आप उसको गर्म करिए, तो क्या होगा, उससे वो वाष्प निकलेगा, जब बहुत गर्म हो जाता है, देखते नहीं कभी धुआं निकलता, लेकिन धुआं क्या, धुआं नहीं रहता, वो वाष्प रहता है, वाटर वेपर रहता है, ऊपर उड़ जाता है, तो वह गैस बन के उड़ जाता है ऊपर, और इसमें जितना पानी उड़ता है उतना उड़ जाता है, और इसमें कुछ पानी रहता है, इसमें भी कुछ पानी बर्तन में भी रहता है, ओके दोस्तों, उड़ जाता है बहुत, और लेकिन रहता है वाटर, पानी इसमें भी रहता है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया, ओके, ये आपका एक एग्जांपल हो गया। अब हम बताते हैं आपको कि पानी जो है, वाटर जो है, वाटर के बारे में सीख रहे, तो वाटर जो है, वाटर में बहुत सारे गंदगी भी होते हैं, वाटर में गंदगी भी होते हैं, ओके दोस्तों, वाटर में गंदगी, जैसे वाटर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन जो बहुत सारे कहीं देखते नहीं कभी, जैसे वाटर पॉल्यूशन, जैसे आपका वाटर एक पॉल्यूशन भी, जैसे देखिए कहीं कभी कभार जैसे बाढ़ आ जाती है, कितना गंदगी हो जाती है पूरे शहर में, जैसे कोई बाढ़ आके बहुत सारे गांवों में बाढ़ आ जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वाटर ही सूख जाता है, पानी ही सूख जाता है तालाब में, जैसे तो बहुत बहुत सूख जाता है, वो कहाँ चल जाता है, वो जमीन के अंदर चल जाता है, नहीं वो
धूप की वो सूर्य की गर्मी से, सूर्य की तापमान से वह ऊपर उड़ जाता है, वाष्प बन के, एयर बन के ऊपर उड़ जाता है और उसका सारा पानी उड़ जाता है। ओके दोस्तों, गैस बन के, तो मेरी वीडियो देख लीजिए वाटर साइकिल, उसमें पता चल जाएगा कैसे वो उड़ता है। ओके, और अब चलिए देखते हैं, ये मैं बताया वाटर पॉल्यूशन भी बहुत सारी जगह, जैसे देखिए, जैसे इसे पहले मिटाते हैं, चलिए इसे पहले हम मिटा लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। ओके दोस्तों, चलिए और कुछ और एग्जांपल लेंगे आपको समझाने के लिए, तो इसे पहले मिटा लेते हैं उसके बाद आपको बताएंगे। चलिए, तो ये मिटा लिए हैं। ओके दोस्तों, तो इसे और ज़्यादा अच्छा से मिटा देते हैं। चलिए, तो हम देखते हैं इसे मिटा लिए हैं। अब देखना है कि कहाँ कैसे वाटर पॉल्यूशन, यानी जैसे पानी में गंदगी होती है, अब वो गंदगी साफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पानी में गंदगी होती है वह, अब जैसे देख लीजिए, एक जैसे आप यहाँ पर क्या करिए, चलिए थोड़ा सा इंक खत्म हो गया पहले डाल लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। चलिए, इंक खत्म हो गया, उसके बाद आपको बताते हैं। चलिए डाल लिए हैं, अब आपको बताएंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए ये अब क्या करना है, देखिए आप एक जैसे एक क्या करिए, चलिए ये आपका हो गया। देखिए ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये जैसे वो चाय जो छाकने वाला नहीं रहता है, वही है, देख लीजिए। और ये क्या है, एक एक बोतल लीजिए, बोतल। चलिए, तो अब इसमें से अगर कुछ और, जैसे कोई और बोतल से इसमें, जैसे इसमें इस बोतल में गंदगी है, इस बोतल में कुछ बहुत सारे, जैसे हम बताएंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इसमें गंदगी है, इधर यहाँ पर क्या है, गंदगी है। जैसे उसमें कोई हम कुछ डाल दिए हैं, गंदा चीज, मिट्टी जैसे डाल दिए हैं, तो अब क्या है, और पानी भी है इसमें, तो वाटर में बहुत गंदगी आ गई। तो अब क्या हुआ, अगर वो ऐसे ये छोटा छोटा छेद रहता है, तो अगर वैसे ही करके ऐसे ऐसे इसमें वाटर इसका निकाल के अगर डालें, तो क्या होगा, इसके अंदर तो वाटर जाएगा, लेकिन ये गंदगी भी इसके अंदर जाएगी। और वही रहता है जो चाय को छापते हैं, तो चाय पत्ती रहती है, वो मोटी मोटी उसकी दाने रहती है, तो वो अंदर नहीं जाती। लेकिन ये अगर आपकी वाटर अंदर जा रही, तो अब क्या है, वाटर को साफ करना, वाटर को साफ भी हम कर सकते हैं, वाटर को हम साफ भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये गंदगी अब इस वाटर को साफ कर सकते हैं। तो आप एक ऐसा एक पेपर रहता है, वह पेपर मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो ये आपका एक पेपर हो जाता है, तो वह आपका कौन सा पेपर रहता है दोस्तों, तो वह आपका रहता है फिल्टर पेपर, वो आपका फिल्टर पेपर रहता है। लेकिन ये बता दूं कि आप पानी का गंदगी आप साफ कर सकते हैं। कैसे, कौन सा वो आपका दो कौन सा वो जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, दो, उसे से आप साफ कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट कौन हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा आपका एवोपोरेशन, फर्स्ट आपका एवोपोरेशन। ओके दोस्तों, आपका फर्स्ट एवोपोरेशन, ओके फर्स्ट है आपका एवोपोरेशन। और अब आप चलिए दोस्तों, तो आपका सेकेंड, ये आपका फर्स्ट एवोपोरेशन है, और आपका सेकेंड क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड हो जाएगा डिस्टिलेशन, आपका सेकेंड डिस्टिलेशन। ओके दोस्तों, डिस्टिलेशन आपका ये सेकेंड है डिस्टिलेशन, फर्स्ट आपका एवोपोरेशन और सेकेंड आपका डिस्टिलेशन। तो हम देखेंगे आपको फर्स्ट एवोपोरेशन और सेकेंड डिस्टिलेशन, तो यही है आपका वाटर इधर जरा और अच्छा से आपका यही है फिल्टर पेपर, यही है आपका फिल्टर पेपर। ओके दोस्तों, यही है आपका फिल्टर पेपर। अब देखना है कि इसी से हम इस पानी के गंदगी को साफ कर सकते हैं। तो अब इसको आप दो, जैसे इसका दो कर दीजिए, जैसे एक आप एक एक जैसे पेपर लीजिए, कोई भी हम पेपर लेंगे, जैसे देख लीजिए हम यहाँ, तो देखिए दोस्तों मैंने एक पेपर लिया, जैसे देखिए यह पेपर जैसे वो फिल्टर पेपर है, तो मैं एक ऐसा ही पेपर लेके बता रहा हूँ। देखिए इसे मैंने ऐसे फोल्ड किया, तो इसीलिए मैं इसमें ऐसे करके इसे फोल्ड किया। ओके, तो इसीलिए मैं ये मैंने फोल्ड किया, इसीलिए मैं ऐसा इसे हाफ कर दिया, आप समझ गए कि फोल्ड किया। अब इसे सेम टू, जैसा ये आपका चाय का छकनी रहता है, चाय छकने वाला, तो इसी के जैसा सेम टू सेम इसको करना है। तो इसे और एक बार और ऐसे कर देंगे, तो ये छोटा सा एक बार और ऐसे करेंगे तो बन जाएगा। तो
तो एक बार और इसको ऐसे मोड़ देंगे तो ये आपका बन जाएगा ऐसा ही सेम टू सेम बन जाएगा। ओके, तो यही वाला है ना, इस पर उठा के रख देना यही फिल्टर पेपर को। अब इसी का जो जो छाकने वाला रहता है उसमें जो छोटा सा छोटा छोटा छेद होता है उसी को उस पर रख देंगे। उसके बाद आप जो वाटर को, हाँ वाटर को आप धीरे धीरे उस पर गिराएंगे तो क्या होगा, गंदगी नहीं आएगी, गंदगी आएगी नहीं। और जो इसमें जो वाटर रहेगा अच्छा वाला वाटर, साफ वाला वाटर, वो आने लगेगा, इसमें गंदगी आएगी नहीं। और एक और तरीका है, या आपके पास फिल्टर पेपर नहीं रहता तो सूती का कपड़ा होता है उसे ही इस पर रख के क्या करना है, पानी को उस पर धीरे धीरे उसे धीरे धीरे छानिए तो अच्छा पानी वाटर अच्छा हो जाएगा, तो साफ हो जाएगा वाटर और आप पानी के गंदगी को साफ कर सकते हैं, पानी के गंदगी को साफ कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरा उदाहरण था। जैसे ये मेरा ये क्या हुआ, ये मैंने बताया। और जैसे देखिए ये मैंने आपको जो फर्स्ट वाला उदाहरण था, ये आपका एवोपरेशन से ये कैसे साफ कर सकते हैं, एक एवोपरेशन से कैसे साफ कर सकते हैं, यानी एवोपरेशन से साफ कैसे कर सकते हैं, यानी जैसे कोई भी वाष्प जो बन के पानी, अगर एक कोई पानी लीजिए, वाटर लीजिए, इसमें इधर से एक पानी लीजिए बर्तन में, और इसमें क्या करिए, इधर से वाटर है और इसमें इसमें है ना, और आपका क्या होगा, इधर से आप आग लगा दीजिए इसमें, इधर से आग लगती रहेगी इसमें से, और इसका ये वाटर एवोपरेट होते रहेगा, इसका जो वाटर है वेपर होते रहेगा, जो फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट मैंने बताया था, ये वाटर का एवोपरेट, इसमें गंदगी जो वाटर, जैसे पानी में भी जम्स होती, पानी में भी कीटाणु होती, वो भी एग्जाम्पल बताऊंगा, पानी में भी कीटाणु होती है, तो आप कीटाणु को कैसे मार सकते हैं, या आप पानी को गर्म कर दीजिए 15 मिनट तक, बस उसमें जितना भी कीटाणु होगा मर जाएगा, तो ये आपका कीटाणु जो मर के वो वाष्प बन के उड़ जाएगा, एवोपरेशन हो जाएगा, उड़ जाएगा, मेरी वाटर साइकिल वीडियो देख लीजिए, वो आपको समझ में आएगा कैसे होता है, तो वह कीटाणु उड़ जाएगा। तो वही आप ये आप फर्स्ट और ये आपका उदाहरण हुआ फर्स्ट एवोपरेशन से ऐसे कीटाणु का गंदगी साफ कर सकते, पानी का गंदगी। और अब आपका बचा है डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन तो इसमें कैसे साफ करेंगे, इसमें पानी को साफ कैसे करेंगे, तो वो भी हम उदाहरण देखेंगे। ओके दोस्तों, तो वो हम उदाहरण देखेंगे, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम वो आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये चित्र बना दिया, ड्राइंग बना दिया, अब देखिए इसमें क्या हुआ है, आपको ये समझ में आया। अब ये आपका दूसरा उदाहरण जो पानी को साफ करने का, वो आपका डिस्टिलेशन। तो अब क्या करेंगे, देखिए एक जो जैसे कोई गैस है तो वह आग लगा रहे हैं, आग इधर से एक बर्तन में लगा रहे हैं, तो क्या हुआ, ये वाटर है, ये आपको जो दिख रहा है ये आपका वाटर हो गया, ये आपका इधर वाटर हो गया, तो वाटर है इसमें। अब क्या हो रहा है, वाटर पानी जो हो रहा है बहुत गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, और क्या हो रहा है, उसका वाष्प धीरे 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 कहाँ, धीरे धीरे उड़ रहा है, इसका वाष्प बन के पानी एवोपरेट हो रहा है, वाष्प बन के उड़ रहा है, और अब तो वो निकलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर एक पाइप लगा हुआ है, तो वो पाइप में वाष्प घुस के, पाइप में जा के देख लीजिए, इसका वाष्प पाइप में जाके इधर से जाके इसमें आ जाता है, ये इसमें आके इस बर्तन में, इस बर्तन में चल जाता है। ओके, अब ये सोच रहे होंगे कि ये पानी कैसे बन गया, अब तो ये भाफ अगर यहां से इस नल को चालू करके इसमें जाता पानी। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर ये नल को चालू किए तो इसमें जो पानी आया, अब इसमें जी इसमें पानी है, अब क्या हुआ, ये पानी है ना वाटर वेपर बन गया, उड़ गया वाष्प बन के उड़ गया, अब ये उड़ता, अब तो इसका ढक्कन बंद है इस पाइप में, तो इस पाइप में जाके इस बर्तन में आया, अब सोचिए ये पानी कैसे बन गया, ये नल तो नहीं, नल से पानी आया नहीं, ये पानी कैसे बन गया, माइंड में चल रहा होगा ये पानी कैसे बना, तो ये पानी से ही ना इसका वाष्प बना, पानी से ही ना ऊपर वाष्प बन के उड़ा, तो अब वही वाष्प धीरे धीरे पाइप में आके जब यहाँ पर रुक जाएगी
और अब यहीं यहाँ से अभी कहीं जाने का उधर रास्ता नहीं रहेगा। तो वह धीरे धीरे ठंडा होने लगेगी, यहाँ से गर्म होके उड़ी, अब वो धीरे धीरे ठंडा होने लगेगी। ठंडा तो क्या होगा, ठंडा होने लगेगी तो फिर से वही पानी का रूप ले लेगा, फिर से वही पानी बन जाएगी। तो इसे ही कहते हैं डिस्टिलेशन, यानी मेरा वाटर साइकिल देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा उदाहरण था। तो ऐसे ही हम पानी की गंदगी को साफ कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं वो क्या है वो। अब पानी के जर्म्स को मारना, पानी के कीटाणु को कैसे मारा जाता है, पानी के कीटाणु को कैसे मारा जाता है। ओके, दो इसके भी उदाहरण, जैसे एग्जांपल, एक आप 15 मिनट तक पानी को गर्म कर दीजिए, आपका सारा पानी, सारा जितना भी कीटाणु है सब मर जाएगा। या दूसरा स्टेप, ये आपको दिख रहा है दूसरा, ये मशीन, यही मशीन से, ये देखिए ये आपका मशीन, यही मशीन आप खरीदो, ये आपको जो मशीन दिख रहा है ये मशीन आप खरीदिए, ये बड़े बड़े शहरों में, टाउन में, शहर में होती है ये मशीन, ये वाली मशीन। ओके दोस्तों, ये आपकी मशीन, ये मशीन खरीदिए, इसी से जर्म्स को मारा जाता है। अच्छी से देख लीजिए, यही मशीन है, यही मशीन से जर्म्स को मारा जाता है, यही पानी, इसमें पानी रहता है, पानी इसमें जो जर्म्स रहता है उसे मार के अच्छे पानी आती है। तो ये एक मशीन है, दूसरा उदाहरण। ओके, तो यह आपको खरीदना चाहिए अपने घर में, या 15 मिनट का पानी गर्म करिए मर जाएगा। ओके, तो यही आपका वो मशीन है। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया। अब ये आपका जर्म्स मारने का पानी, वाटर जो बताया। अब देखना है कि और कुछ उदाहरण लेंगे जो हाथ से करके देखेंगे, वो आपको समझाऊंगा मैं। फ्रेंड्स, तो मैंने आज ये आपको बताया। ओके दोस्तों, ये मैंने आपको बताया, ये मशीन आप खरीदिए। अब देखना है कि पानी ये बता दूं, पानी घुलनशील भी होता है, पानी घुलनशील भी होता है, यानी हम देखेंगे पानी में कौन कौन से जो सामान है, कौन कौन से चीजें हैं जो पानी में घुल जाते हैं, घुलनशील होता है, तो वो मैं हाथ से करके दिखाऊंगा आपको, तो आपको 100% समझ में आएगा। ओके, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए हम यहाँ पर कुछ उदाहरण लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। देखिए, मैं बताया था कि घुलनशील होता है पानी, तो मैंने यहाँ पर ग्लास ली है। ओके, तो इसी से हम चेक करेंगे कैसे घुलनशील होती है ये पानी। तो चलिए, पहला हम जो एग्जांपल लेंगे वह हम लेंगे किससे, तो हम लेते हैं, चलिए हम लेते हैं चीनी से। ओके, तो मैंने यहाँ पर चीनी ले लिया है, और चलिए हम ले लेते हैं वाटर। तो ये हम ले लेते हैं इस ग्लास से वाटर। ओके, चलिए, तो अब क्या करेंगे, एक चम्मच ले लेते हैं। अब इसी से देखेंगे यह पानी घुलनशील भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, क्योंकि पानी तो हर जगह ही है, पानी घुलनशील होता है। और उसमें कौन से तत्व हैं जो घुलनशील, कौन सी चीज है जो घुलनशील होता है, जैसे ये चीनी है, नमक है, ये सब घुलनशील होते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ये देखिए, इसे चीनी मैंने इस चम्मच में ले लिया। ओके, चीनी ले लिया, उसके बाद अब इस ग्लास में इसको डाल देते हैं। चलिए, बस हम इतना डाल देते हैं, उसके बाद अब इसे धीरे धीरे हल्का हल्का घुमाएंगे, घुलनशील, क्योंकि अगर ऐसे ही छोड़ भी देंगे तो यह कुछ मिनट के बाद घुलनशील हो जाएगा। 10 मिनट छोड़ दीजिए, घुलनशील, यानी कि पानी घुलनशील होता है। अब इसे हम घुमाते रहेंगे, उसके बाद घुलनशील से बनाएंगे, तो घुलनशील तो खुद ही रहता है पानी। अब इसे हम घुमाते रहेंगे, धीरे धीरे घुमाते रहेंगे, तब देखेंगे उसके बाद क्या होता है। तो चलिए, हम पहले इसे घुमाते हैं, थोड़ी देर तक टाइम लेंगे आपका। चलिए, इसे घुमाते हैं, चलिए हम इसे घुमाते रहेंगे, जब तक ये घुलनशील ना हो जाए तब तक घुमाते ही रहेंगे इसको। चलिए घुमाते हैं, तो इसे घुमा रहे हैं दोस्तों, देख लीजिए ये घुलनशील हो रहा है, और घुमाएंगे, अभी और है, बहुत सारे बचे हुए यहाँ पर, इसमें चीनी है, ये जो चाय के लिए काम आती है, और बहुत सारे चीजों के लिए काम आती है ये आपकी चीनी।
मीठे बनाने के लिए। तो यह देखिए थोड़ी और घुलनशील होगी अभी, क्योंकि तो पूरा हमको घुलनशील करना है ही। चलिए पूरा घुलनशील बना लेते हैं इसको। ओके दोस्तों, तो पहले हम इसे घुलनशील पूरा बना ही लेते हैं, उसके बाद आपको का आपको बताएंगे। पहले देखिए और थोड़ा सा बचा हुआ है घुलनशील करने के लिए। ओके दोस्तों, तो हम इसे घुलनशील कर लेते हैं। चलिए देखिए बस और बच गया है, इसे पूरा ही घुलनशील करके आपको बताएंगे। थोड़ा सा बचा है घुलनशील करना, थोड़ा सा और बचा है, तो हम इसे घुलनशील कर लेंगे। तो चलिए पहले इसे घुमा लेते हैं, पहले बहुत घुमा लेते हैं, उसके बाद इसे पहले घुलनशील बनाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। ओके दोस्तों, तो पहले इसे घुलनशील पूरे अच्छे तरह से बना लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। तो इसे घुलनशील बनाते हैं, और थोड़ा सा बचा हुआ है, बस हो गया, बस कुछ ही सेकेंड में। और चलिए चलिए ये पूरी अच्छी तरह से घुल चुका है। ओके, अब हमसे पूछिए कि ये कहाँ गया। अब इसमें चीनी डाला था एक चम्मच, तो उसके बाद ये अब चीनी गया कहाँ, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया ये चीनी, कहाँ गया दोस्तों। ये चीनी इस पानी के अंदर घुल गया, क्योंकि पानी घुलनशील है, डिसॉल्व कर लिया, पानी घुलनशील है। ओके दोस्तों, पानी घुलनशील है, ये मैंने चीनी इसमें डाला, उसके बाद ये पानी में घुल गया, क्योंकि ये चीनी जो ये ऐसा ये है एक पदार्थ जो ये घुल गया। ओके, यह चीनी घुल गया, इसे ही घुलसन कहते हैं, इसे ही घुलसन कहते हैं, ये पानी घुलनशील है। ओके, तो ये मेरा उदाहरण था आपको पानी के बारे में बताने के लिए। अब इसे साइड करते हैं, उसके बाद अब चलिए मैं और कुछ उदाहरण लेके बताता हूँ आपको। जैसे देखिए हम ले लेते हैं उदाहरण, जैसे हमारा ये एक ग्लास और ये एक कटोरी में चीनी। अब यही चम्मच से इस चीनी में भी घुलनशील है, तो अब सॉरी देखिए ये नमक है, ये चीनी नहीं नमक है, तो नमक है, अब ये नमक में भी घुलनशील है, घुलनशील है। तो देखते हैं इस चम्मच से, ये चम्मच में ले लिए नमक, अब इस पानी में इसे डाल देते हैं। ओके, डाल दिए हैं, देख लीजिए और थोड़ा ले लेते हैं और आपको अच्छे तरह से बताएंगे। ये देखिए, ये अब देखिए, अब इसे घुमाते हैं, चलिए ये देखिए, अब थोड़े देर के बाद देखिए का क्या होगा। चलिए देखिए अभी कितना पानी गंदा है, अब देखिए धीरे धीरे क्या होगा। पहले ये घुलनशील तो बहुत सिंपल, बहुत जल्दी घुल जाता है, तो वो हम पहले घुमा ही लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। चलिए चलिए अब थोड़ी देर तक इसे छोड़ देते हैं, उसके बाद देखिए क्या होता है। ये घुल गया है, ये अब कहिए, पहले इसे पहले घुलने देते हैं, घुल तो गया है ये, अब हमको नमक दिखाई दे रहा है नहीं, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये नमक भी घुलनशील है, घुल गया। अब और कुछ थोड़े देर रहने देते हैं, उसके बाद देखिए अब क्या होता है, अब देखेंगे कि ये नमक जाएगा कहाँ। देखते हैं अब ये नमक धीरे धीरे, देखिए पानी साफ हो रहा है, क्यों हो रहा है, एक तो घुलनशील हो गया, और इसमें देखिए और पदार्थ, जैसे देखिए ये चीनी में भी घुलनशील हो गया, तो वो कहाँ गया। अब ये देखिए पानी धीरे धीरे अपने खुद ब खुद साफ हो जाएगा, धीरे धीरे हो रहा है साफ। ओके, धीरे धीरे देख लीजिए साफ हो रहा है, देखिए नीचे से देख लीजिए कितना साफ हो गया है, हो रहा है धीरे धीरे साफ। ओके, सब बैठ जाएगा, सब नमक इसमें घुल जाएगा, यानी सब बैठ जाता है नीचे घुल के। और कुछ उदाहरण लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। पहले इसे घुलनशील घुल गया, देख लीजिए कितना साफ हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, देख लीजिए। ओके दोस्तों, तो हम इसे पहले घुलने देते हैं अच्छा से, ये घुल गया है, मतलब ये साफ हो रहा है पानी, वाटर, ये पूरा पानी साफ हो रहा है, देख लीजिए हो तो जाएगा ही, बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए देख रहे हैं, क्योंकि नमक है, बहुत जल्दी हो जाएगा, देख लीजिए हो गया लगभग साफ, और होने दीजिए इसको थोड़ा देर तक। चलिए हो रहा है साफ, देख लीजिए हो रहा है साफ, चलिए देखिए नीचे से कितना साफ हो गया है। अब अभी बाकी है साफ होना, तो इसे साफ पहले होने देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। तो इसे पहले साफ होने देते हैं, देख लीजिए बहुत ही साफ हो गया है, हमको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। चलिए बहुत साफ हो गया है, और देखेंगे और कुछ उदाहरण लेंगे, देख लीजिए कितना साफ हो गया, यानी ये वाटर कहाँ गया,
ये वाटर घुल गया, घुलनशील है ये चीज, ये नमक भी घुलनशील है, पानी में घुलनशील होता है ये सब चीजें, ये घुल गया, ये बहुत काम आती है नमक, यही आपका घुलनशील है। ओके दोस्तों, तो ये मैंने एग्जांपल बताया, देख लीजिए कितना साफ हो गया है, देख लीजिए आप देखिए और कितना साफ होते जा रहा है, उतना साफ देखिए, पूरा तो लगभग साफ ही हो गया है, बस थोड़े से और है, देख लीजिए अब ये नमक सारा बैठ गया है नीचे, पूरा घुलनशील होके नीचे बढ़ गया है। ओके, या आपका घुल गया। अब अगर वही हम करें तो अगर इसे हम कोई और जैसे ग्लास में डाल दें तो ये क्या होगा, ये देखिए ये आपका घुलनशील हो गया, ये मैं एग्जांपल बताया आपको। ओके दोस्तों, ये मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो पहले इसे घुलनशील होने देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। ओके दोस्तों, तो उसके बाद हम आपको बताएंगे, तो देखिए कितना साफ हो गया पानी, कितना साफ हो गया। ओके दोस्तों, कितना साफ हो गया, यही है घुलनशील, इसे ही घुलनशील कहते हैं, इसे ही घुलनशील कहते हैं। अगर यही वाला पानी दूसरे ग्लास में डालें तो क्या होगा, इसका जितना भी गंदगी है इसी में रहेगा और पानी साफ पानी बाहर आएगा, तो हम लेंगे। चलिए ये हमारा ग्लास आ गया है दोस्तों, देख लीजिए अब यही इस पानी को धीरे धीरे इसमें डालते हैं तो देखिए क्या होगा, देख लीजिए अब देखिए क्या हुआ, देख लीजिए यह गिलास में क्या हुआ, यह गिलास कितना, इसमें पानी कितना साफ हो गया है, और वही और ये नमक जो नीचे आके बैठ गया है तो इसका गंदगी इसी में रहा, इसका गंदगी यही गिलास में ही रहा, और ये जो साफ पानी इसमें निकल गया, तो हम ऐसे साफ पानी को निकाल सकते हैं, गंदगा गंदी वाली पानी गंदे यही पर रहने देते और साफ पानी इसमें निकाल दिया, तो ये कितना साफ है गिलास, यही है हमारे एग्जाम्पल, यही है वाटर, इसे ही वाटर कहते हैं। अब चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे, तो इन ग्लासों को हम थोड़ा इधर साइड कर देते हैं दोस्तों, चलिए इधर हम साइड कर देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। चलिए तो इधर हम साइड कर दी, अब देखिए अब आपका जो एग्जांपल है ये देखिए, एक और गिलास लिए है इसमें पानी है, अब आप देखना है कि और कुछ पदार्थों में जो घुलनशील पाए जाते हैं और उस पानी को भी साफ किया जा सकता है, उस पानी को भी साफ किया जा सकता है। जैसे एक और गिलास लेके आइए, उसके बाद हम बताएंगे, आप एक और गिलास लेके आइए जल्दी से। तो दोस्तों इसमें भी हम जैसे बताएंगे, देख लीजिए ये आपका, देख लीजिए हम एक और गिलास लेंगे उसके बाद आपको बताएंगे। देखिए ये है, ये एक चौक है, तो ये चौक को इसके अंदर डाल देते, देख लीजिए यहाँ तो लगता है छोटा, देखिए इसके अंदर जाने बहुत बड़ा, अब देखिए ये एक और चौक को भी डाल देते, अब थोड़ा देर रहने देते हैं, अब थोड़ी देर रहने देते हैं उसके बाद आपको बताएंगे। चलिए देख लीजिए कितना जल्दी जल्दी ये काम कर रहा है, ये पूरा घुल जाएगा घुलनशील होने के बाद, देखिए क्या होगा, देख लीजिए ये बन रहा है, घुलनशील हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। ओके दोस्तों, तो और थोड़ा गीला होने दीजिए इसको, बाद इसके बाद आपको बताएंगे। चलिए चलिए और घुलनशील होने दीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं। ओके दोस्तों, तो इसे बताते हैं हम, चलिए इसे घुलनशील होने दीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं। ये देखिए बहुत घुलनशील हो चुका है, अब बहुत हो चुका है गीला, और थोड़ा और होने दीजिए क्योंकि अभी बहुत होगा गीला ये। ओके दोस्तों, तो इसे थोड़ा और हम, थोड़ा ये कट चुका है, अब इसे जरा घुमाते हैं, देखते हैं क्या होगा। चलिए तो हम इसे घुमाते हैं ये चौक से, अब चलिए इसे घुमाते हैं हम आपको अच्छे से समझाने के लिए। ओके दोस्तों, तो हम इसे घुमाएंगे उसके बाद आपको समझाएंगे। तो ये देखिए ये थोड़ा पानी गंदा भी हो रहा है, अब ये घुलनशील है, ये चौक भी घुलनशील है, चौक भी घुलनशील, और बहुत सारे अन्य भी बहुत सारे जैसे चीजें, मिट्टी हो गया वो भी घुलनशील ही होता है, बालू हो गया वो भी घुलनशील ही होता है, देख लीजिए कितना घुलनशील है, अब देखिए और घुलनशील होगा। ओके दोस्तों, तो ये और घुलनशील होगा, देख लीजिए अभी और होने दीजिए इसको घुलनशील, देख लीजिए थोड़ा और गीला होने दीजिए, उसके बाद इसे घुमाते हैं, इसे राउंड राउंड लगाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। ओके, तो इसे पहले घुमाते हैं, चलिए चलिए इसे घुलनशील बनाते हैं दोस्तों। ये देखिए आपका घुलनशील बन रहा है धीरे धीरे, और गीला होने देते हैं उसके बाद आपको बताएंगे। देख लीजिए ये आपका घुलनशील बन रहा है धीरे धीरे, घुलनशील बन रहा है, तो यही है क्या, यही हमारा वाटर है, यही हमारा वाटर है, यही घुलनशील होता है धीरे धीरे बनता है, यही हमारा वाटर है। ओके दोस्तों, तो देख लीजिए और घुलनशील इसे बना रहे हैं, थोड़ा और बनाएंगे क्योंकि और होने देते हैं, और इसमें अब गंदगी आ गया है, ये चौक है इसीलिए गंदगी आ गया है पानी में, अब
अब इसे साफ करने के लिए क्या चाहिए। अब इसे साफ करने के लिए जैसे वो मैं मशीन बताया था, वो आप खरीदिए, घर में रखना चाहिए, वो आपका पानी अच्छा साफ होगा, कीटाणु नहीं रहेगा, नहीं तो आप नहीं खरीद सकते। तो वो आप पानी रखिए और उसे 15 मिनट तक गर्म होने दीजिए, उसको सारा कीटाणु मर जाएगा, ऊपर वाष्प बन के उड़ जाएगा। ये है आपका वो मशीन, देख लीजिए इधर साइड में, ये आपका वो मशीन है। ओके दोस्तों, तो ये आपका मशीन है। अब चलिए घूलते हैं, घुलाते हैं। ओके चलिए, तो इसे घुला रहे हैं, आरओ वाटर है वो। ओके आरओ प्योर वाटर वो मशीन होता है। ओके वो मैं बता दिया आपको। अब चलिए इसे और घुलनशील थोड़ा बनाते हैं, और घुलेगा, ये देख लीजिए घुल रहा है, कितना घुल रहा है। चलिए तो और अब घुलाते हैं, इसे घुमाते हैं घुलनशील बनाने के लिए, और इसके बाद इसका गंदगी साफ करेंगे। चलिए आप इसका घुलनशील, अब इसका गंदगी साफ करते हैं, जितना भी गंदगी है यही गिलास में रह जाएगा और दूसरा गिलास में आएगा ही। तो हम पहले इसे घुमाते हैं। चलिए अब आप इसे थोड़ा देर तक रहने देते हैं। क्या करेंगे, बस अब बहुत घुल गया है ये, अब थोड़ा देर तक और इसे और थोड़ा घुमा लेते हैं, इसके बाद आपको समझाएंगे और अच्छे तरह से। ये देखिए ये आपका घुल रहा है, अब चलिए अब छोड़ देते हैं। अब देखिए ये पानी कितना साफ होगा, ये धीरे धीरे पानी साफ होगा, और उसके बाद दूसरा गिलास में इसको लाएंगे तो इसका जो भी गंदगी है बस यही गिलास में रहेगा, दूसरा गिलास में जाएगा ये, और शुद्ध पानी हो जाएगा। ऐसे में आप अपना पानी को साफ कर सकते हैं। तो पहले इसे अच्छा होने दीजिए, पूरा साफ होने दीजिए, देखिए धीरे धीरे साफ हो रहा है, जो भी इसमें था वो साफ हो रहा है धीरे धीरे, देख लीजिए धीरे धीरे नीचे जा रहा है, जो भी इसमें गंदगी था हमको दिख रहा है। ओके दोस्तों आपको भी दिखेगा। चलिए साफ होने दीजिए, पहले बैठ जाने दीजिए इन सब को, जितना इसका कीटाणु है सब नीचे बढ़ जाएगा, जितना इसका गंदगी, जैसे मिट्टी भी रहता है ना तो वो भी ऐसा ही बढ़ जाता है। ओके दोस्तों, तो हम मिट्टी लाएंगे उसके बाद आपको बताएंगे। चलिए पहले इसे हम क्या करते हैं, इसे पहले हम अच्छे से कर लेते हैं। ये पानी आपका धीरे धीरे साफ होते जा रहा है। ओके दोस्तों, ये आपका पानी धीरे धीरे साफ हो रहा है, हाँ हो रहा है, और होने दीजिए, देख लीजिए कितना साफ हो चुका है, और होगा धीरे धीरे साफ, अभी होगा, जैसे वो नमक वाला बताया था, वो नमक वाला आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ, अब ये साफ होगा। चलिए तो ये आपका साफ हो रहा है। ओके दोस्तों, ये आपका धीरे धीरे साफ हो रहा है, क्या हो रहा है, साफ हो रहा है। ओके चलिए ये आपका साफ हो रहा है, देखिए कितना साफ हो चुका है, देख लीजिए कितना साफ हो चुका है। ओके दोस्तों, ये आपका कितना साफ हो चुका है। चलिए तो ये में यही है हमारा घुलनशील, ये आपका घुल गया, इस चौक भी घुल गया इसमें, जैसे मिट्टी का भी आपको बताएंगे एग्जाम्पल। देखिए ये कितना पानी साफ हो चुका है, कितना हो चुका है पानी, ये कितना साफ हो चुका है, ये आपका कितना साफ हो चुका है। अब यही दूसरा गिलास, ओके ये आपका दूसरा गिलास है। अब क्या करना है, इसको इसमें डालेंगे इस पानी को, तो इसका गंदगी, ये गंदा वाला पानी इसमें ही रहेगा, और जो साफ वाला है इसमें आ जाएगा। तो देख लीजिए ये आपका साफ वाला आ चुका है, इसमें बस इतना ही डालते हैं, देख लीजिए ये आपका साफ वाला पानी और ये पूरा गंदा पानी। आप दोनों में डिसाइड करिए कौन आपका साफ है, कौन आपका साफ है और कौन आपका गंदा है। तो ये आपका बहुत साफ है और ये आपका बहुत गंदा है, देख लीजिए कितना गंदा है और ये बहुत आपका साफ है। तो यही है घुलनशील, घुलनशील भी हो गया और पानी का गंदी का गंदी गंदगी को हम साफ भी कर सकते हैं। ओके तो या ऐसे ही करके, अगर इसमें यही पानी रहता है तो और इसको साफ करना चाहते हैं तो फिल्टर पेपर या सूती का कपड़ा लेके इसको इसके अंदर डालिए तो अच्छा साफ हो जाएगा। ओके दोस्तों, अच्छा से साफ हो जाएगा। तो यही हमारा एग्जाम्पल था। चलिए मिट्टी का भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, तो इन ग्लास को इधर साइड करते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। तो जैसे देखिए ये हम एक पानी ले लेते हैं ग्लास में। ओके ये हम एक ग्लास में पानी, चलिए हम थोड़ा इधर साइड कर देते हैं इसको। चलिए अब ये ग्लास में पानी, और अब कुछ लेते हैं मिट्टी। ओके कुछ मिट्टी ले लेते हैं, देख लीजिए मिट्टी भी आ गया है। ये देखिए अब मिट्टी को इसके अंदर डाल देते हैं, और एक और मिट्टी को इसके अंदर डाल देते हैं दोस्तों, और एक मिट्टी को डाल देते हैं, बस अब इतना ही रहने देते हैं। अब चलिए अब क्या करना है, इन मिट्टी अघुलनशील कर देंगे, मिट्टी भी अघुलनशील होता है। तो देखते हैं हम, यह आपका अघुलनशील हो रहा है, यह आपका धीरे धीरे बैठ रहा है, देखिए यह मिट्टी देखिए दोस्तों कितना बैठ चुका है, देखिए कितना बैठ चुका है। तो थोड़ा इधर से करते हैं, चलिए घुलने के लिए। अब चलिए तो देखिए कितना बैठ चुका है यह मिट्टी,
देखिए मिट्टी अघुलनशील होता है, मिट्टी अघुलनशील होता है। पानी तो जमीन के अंदर भी होती है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, देख लीजिए। यह मिट्टी आपका अघुलनशील हो चुका है। ये अब पानी धीरे धीरे साफ होने लगेगा, धीरे धीरे ये आपका पानी साफ होने लगेगा, सारा मिट्टी नीचे बढ़ेगा और धीरे धीरे ये भी पानी आपका साफ होने लगेगा। कुछ मिनट रुकते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे, देख लीजिए कितना साफ हो रहा है ये पानी। ओके दोस्तों, कितना साफ हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी साफ हो रहा है। चलिए और होने दीजिए थोड़ा साफ, उसके बाद आपको बताते हैं। तो ये साफ हो रहा है, चलिए इसे साफ ही होने देते हैं, जैसे मैं आपको वहां पर बता दिया था इस कुछ एग्जाम्पल लेके। अब चलिए इसे साफ होने देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। तो ये हमारा साफ हो रहा है, चलिए और बहुत बहुत साफ हो चुके हैं, और होने दीजिए इसको साफ, क्योंकि सारा मिट्टी नीचे बैठ रहा है और यही गंदगी इसी में रहेगा। वो हम गिलास में दूसरा में डालेंगे, उसके बाद वो ठीक होगा। तो पहले ये गंदगी इसका निकलेगा। ओके, ये आपका ये सारा गंदगी निकल रहा है। ये आप एक फिल्टर पेपर भी ले सकते हैं, उससे आप ये साफ कर सकते हैं। ओके, या सूती का कपड़ा से भी कर सकते हैं, पहले बता चुका हूँ। अब चलिए ये साफ होने देते हैं। देखिए कितना साफ हो चुका है, बहुत साफ हो चुका है, और होगा थोड़ा बहुत होगा साफ। चलिए इसे साफ होने देते हैं, चलिए दोस्तों साफ होने देते हैं पहले इसे। चलिए ये लगभग देखिए साफ ही हो चुका है, बहुत साफ हो चुका है, देख लीजिए आप भी देख रहे हैं, बहुत ये पानी बहुत 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 साफ हो चुका है, देख लीजिए। अब ये आप अब दूसरा ग्लास लेंगे, आप इसमें ये पानी को डालते हैं, देखते हैं, और ये कि इसका गंदगी इसी में रहेगा। या आप एक सूती कपड़ा ले सकते हैं, उसके बाद कर सकते हैं, हम ऐसे ही कर रहे हैं। ये देखिए ये आपका आ गया, आप देखिए इस पानी को देखिए और इस पानी को देखिए, कितना इसमें परिवर्तन आया, कितना साफ हो चुका है। और इसे ही अघुलनशील कहते हैं। या इसका कीटाणु भी, इसका गंदगी भी साफ हो चुका। तो यही हमारा एग्जाम्पल लिए थे आपको समझाने के लिए, आशा करता हूँ समझ लेंगे पानी क्या होता है। ओके दोस्तों, तो पानी क्या होता है, तो दोस्तों मैंने आज आपको वाटर बताया, जल बताया। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छे लगे, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए। ऐसी वीडियो आते हैं तो हम आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे, हमेशा ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।